गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो सबसे पहले सबको हैप्पी होली। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की हम डे कैंडल चेक कर लेते हैं। डे कैंडल में आप देख सकते हो कि इसने बनाया है शूटिंग स्टार। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाया था बुलिश एंगलिंग इस एरिया में। यहाँ से फिर एक दिन होल्ड रखा, होल्ड रखना अच्छा रहता है। होल्ड करके अगर बैंक निफ्टी जाएगा ऊपर तो बढ़िया रहता है। नेक्स्ट डे अपरा, सेकेंड डे डाउन रहा, मतलब जो इसका ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे ही इसने रिट्रेस करके मतलब पहले सेक्शन बनाया बढ़िया, और नेक्स्ट डे 2.5% अप रहा था। मैंने नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग में इसने 671 का हाई बना के दिया आपको। ये एक अगर आपको ट्रेंड लाइन दिख रही हो, एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, ये तो इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था, बट इसने इस ट्रेंड लाइन के प्रॉपर ऊपर इसने क्लोज नहीं करी है कैंडल, ये ट्रेंड लाइन पे ही है। एक अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी ने जो अपना सपोर्ट बना रखा है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि है 39,800 का। ये ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे आके ही बार बार रिट्रेस ले रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसने ये लोअर लो बना दिया है, पर ये शूटिंग स्टार तब एक्टिवेट होगी जब बैंक निफ्टी इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोजिंग दे, मतलब शूटिंग बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे 40,222 के नीचे क्लोजिंग दे, तो यहाँ पे मतलब हमें एक बेयरिश डाउन की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। तो हमको 40,555 तक के लेवल आते दिख सकते हैं। अब इसको 15 मिनट चार्ट पे भी देख लेते हैं। अगर 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 3 तारीख को बहुत अच्छा मूव दिया था वन साइड, और यहाँ पे थोड़ा रुका, और फिर देखेंगे गैप अप ओपन होने के बाद भी बैंक निफ्टी ऊपर गया है, उसने यहाँ पे हाई बनाया है 41,617 का आई थिंक, और फिर वहाँ से इसने डाउनफॉल दिया वन साइड। बट अच्छी बात ये है यहाँ पे कि इसने शूटिंग स्टार तो बनाया डेली चार्ट पे, पर ये जो है इसने लो, जो प्रीवियस लो था इसका, यहाँ पे प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, प्रीवियस लो के पास आके इसने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है। अपने लिए बेस्ट ट्रेड तब बनेगा अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, खासकर ये पूरी जो रेंज बनी हुई है, ये रेंज, इस रेंज में ओपन होता है जो कि है 41,200 से लेके 41,500, ये 300 पॉइंट की रेंज में ओपन होके कहीं भी ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है 200-300 पॉइंट, 41,000 या 40,900 के आसपास यहाँ ओपन हो जाती है ओपनिंग, तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल मिलती है मेरे को तो इमीडिएटली बाइंग कर लूँगा मैं, या फिर कोई रेंज बनने दूंगा और उसका ब्रेकआउट जिस तरफ भी करता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड मैं ट्रेड ले लूँगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 600-800 के लेवल के बीच में, तो यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा, मैं इमीडिएटली बाइंग नहीं करूँगा, बिकॉज गैप अप ही ओपन होगा। बेस्ट कंडीशन अपने तभी बनेगी जब एक रेंज के अंदर ओपन होता है, इस रेंज के अंदर ओपन होगा बैंक निफ्टी तो हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है कि बैंक निफ्टी हायर हाई बना रहा है, हल्का हल्का ध्यान से देखो तो ये रहा, ये इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर ही है, तो वो ये हायर हाई बना रहा है। ये मतलब इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, डिप्स पे बाइंग की जा रही है, बट इतना इसने मूवमेंट दिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो आनी बनती है, तो ये प्राइस एक्शन बनाते हुए चले तो ही बेहतर है। अगर इकट्ठा एक सख्त ऊपर निकल जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं टारगेट्स की। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,488, सेकेंड टारगेट होगा 41,522, थर्ड टारगेट होगा 41,555, फोर्थ टारगेट होगा 41,612 का। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होके डाउन की तरफ जाता है तो हमारे टारगेट्स ओपन हो जाएंगे नीचे के लिए 41,022, 40,888, 40,822, 40,777। ये टारगेट हमारे नीचे के साइड में ओपन हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है, और ये सब टारगेट ब्रीच हो जाते हैं तो सीधी सी बात है अगर नीचे की साइड और ब्रीच होता है तो शूटिंग स्टार एक्टिव हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ से हमको 600-800 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।